नमस्कार, यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के कांके डैम साइड इलाके की। बता दें कि यह जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही स्क्रीन पर, यह पूरे रातू रोड इलाके के नाली का पानी है और यह नाली का पानी इस सुरंग से होकर सीधे कांके डैम में प्रवेश कर रहा है और यह दृश्य आप देख सकते हैं। कांके डैम का पानी आपके घरों तक पहुंच रहा है और कितना आप शुद्ध पानी पी रहे हैं यह आपको देखनी चाहिए। देख सकते हैं यह कांके डैम का दृश्य है और सीधे जो है यह नाली का गंदा पानी कांके डैम में मिल रहा है और यहीं से जो है यह पानी जो है अब आपके घरों तक फिल्टर होने के बाद पहुंचता है। समझ सकते हैं कि लोगों को जो परोसा जा रहा पानी, वह नाली का पानी घरों तक पहुंच रहा है और यह स्थिति है। बता दें कि कांके डैम ही नहीं, इसके अलावा हटिया और रुक्का डैम में भी कई जगहों से जो है नाली का पानी जो है प्रवेश करता है और वहाँ जो है नाली का पानी को फिल्टर करने के बाद उसमें कई प्रकार के केमिकल मिलाने के बाद जो है आपके घरों तक वह पानी पहुंचाया जाता है, जो कि पीने लायक सरकार और पेयजल विभाग कहती है कि वह जो है पीने लायक पानी है। लेकिन समझ सकते हैं कि नाली का पानी कितना भी फिल्टर हो जाए उसके बाद भी वह पीने लायक संभव नहीं है। पूरी तरह से इन पानियों में केमिकल है और केमिकल के साथ साथ सीवरेज, ड्रेनेज सारे चीज़ों का जो है मिक्सचर है। इसके अलावा गोबर का जो है मिक्सचर है। देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है प्रवेश कर रहा है कांके डैम में। देखने से कांके डैम काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन इस तरह से कांके डैम का पानी जो है काफ़ी गंदा होता जा रहा है। और बता दें कि वीडियो के अंत में यह जो है सरकारी स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, इंद्रपुरी रोड नंबर 6 की, और यह जो है इससे कचड़े के बीच पर मौजूद है। समझ सकते हैं शिक्षा विभाग और जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, वह जो है हकीकत से उलट है। यह पूरा कचड़ा पसरा हुआ है और इसके अलावा जो है पूरी तरह से चारों जो है स्कूल के चारों ओर जो है जलकुंभियां है। स्कूल की भी स्थिति खराब है और यहाँ जो है पानी जो परोसा जा रहा है वहाँ जो है पानी भी आपको जहरीला परोसा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम राजधानी रांची के अन्य इलाकों की आपको जो है जानकारी लगातार देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोशिश करें कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि हम नए नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बना सके और आप तक यह वीडियो पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।